नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल बागवानी प्लांट्स में। आप सभी को मैं आज बताना चाहता हूँ कि शहरों में लोगों के पास बहुत कम स्पेस होता है और कई लोगों को बागवानी का शौक़ होता है, तो इस शौक़ को बरकरार रखते हुए कैसे आप घर की छतों के ऊपर अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे पास वैसे तो देखा जाए बहुत कम स्पेस है और चंडीगढ़ शहर में मेरा 2 मरले का प्लाट है जिसमें मेरे पास यूज़ करने के लिए ये थोड़ी सी जगह है, आप देख सकते हैं। और इस जगह को मैंने किस तरह अपने शौक़ के लिए इस्तेमाल किया है, आप भी अपने घर की छत को ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस छोटी सी छत पे पूरी तरह से अपने शौक़ को बरकरार रखते हुए कई तरह के पौधे उगा रखे हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये नीम है, घर में नीम बहुत उपयोगी होती है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसमें 6 या 7 पत्ते अगर व्यक्ति नियमित तौर से सुबह के समय चबाए तो उसकी डायबिटीज़ बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद ये देखिए, ये अगला पौधा है, ये अगला पौधा जो है ये कीनू का पौधा है। लगभग मेरे पास 1-1.5 साल से ये पौधा है। इसके ऊपर अभी फल लाने का समय नहीं है, लेकिन समय आने पे इस पर ढेरों फूल लगते हैं। और ये अगला पौधा, इसको अंजीर कहा जाता है, ये अंजीर का पौधा है। ये आसानी से हर एक नर्सरी में मिल जाता है। और ये देखिए, ये पौधा बड़ा ही खूबसूरत पौधा है, ये का पौधा है। ये देखिए, इसके ऊपर नींबू अभी लगे हुए भी हैं, थोड़े साइज में छोटे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये नींबू इस पे लगे हुए हैं, ये देखिए ये नींबू, और इसमें एक बड़े साइज का नींबू भी था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, काफ़ी बड़े साइज का ये नींबू है। घर में आप अपने शौक़ को बरकरार रखते हुए पौष्टिक नींबू, सेहत से भरपूर, इसका भी आनंद ले सकते हैं। उसके बाद ये अमरूद है, और आपको ज्ञात रहे कि ये छोटा सा एरिया है जिसमें मैंने तरह तरह के फल के पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए, ये चीकू का पौधा है, इस पर अभी ये फूल आ रहे हैं। देखिए चारों तरफ इसमें ये फूल लगे हुए हैं। और ये अगला पौधा, ये अनार का पौधा, देखिए अनार के फूल आ रखे हैं। ये अनार, और ये बैंगन, बैंगन का पौधा है। और देखिए दोस्तों, ये बड़ा सा पौधा, ये मौसमी का पौधा है। देखिए इसमें ये मौसमी लग रखी है, लेकिन अभी इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, वक्त आने पे ये पूरा मैच्योर हो जाएगा, तब हम इस मौसमी का आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों, ये संतरे का पौधा है, अभी काफ़ी छोटा है, इसकी ग्रोथ बड़े आराम से धीरे धीरे होती है, कुछ समय के बाद ये भी बड़ा हो जाएगा, तो उसके फलों का आनंद भी मैं अपने परिवार के साथ लूँगा। और मेरी बार बार आपसे यही प्रार्थना है कि कोरोना महामारी के इस काल में आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, अपनी छत जो कि खाली पड़ी है उसका पूरी तरह से सदुपयोग कर सकते हैं। और ये मिर्चें, ये मैं लास्ट वीडियोस में आपको
दिखा चुका हूँ। ये सभी पौधे मिर्चों के हैं, इन पे ये मिर्चें लगी हुई हैं, देखिए देखिए। और ये मैंने अलग अलग तरह की बेलें लगा रखी हैं। ये पहली जो बेल है ये घिया की बेल है, आप पहचान सकते हैं। इस पे फूल अभी आ रहे हैं, फूल भी जल्दी लग जाएंगे। ये करेले की बेल है, इसके करेले हम दो बार तोड़ के खा चुके हैं। ये करेला, ये जो अगली बेल आपको नज़र आ रही है ये खीरे की बेल है, चाइनीज़ खीरा है ये, नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। ये देखिए इस पे ये छोटे छोटे खीरे आपको नज़र आ रहे हैं, लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये जो लंबे वाली बेल ऊपर की तरफ जा रही है, इसको पंजाबी भाषा में राम तोरी कहा जाता है। और इसके फल जब लगते हैं तो ढेरों लगते हैं। ये भी अभी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, वो लास्ट में आपको एक फल लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। उसके आगे जो बेल जा रही है वहाँ मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो छत के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मेरी पहली वीडियोस में आप देख चुके हैं, ये है स्ट्रॉबेरी का पौधा और ये भी स्ट्रॉबेरी का पौधा। ये एक गमले से निकाल कर मैंने दो स्ट्रॉबेरी तैयार की हैं। अभी हाल ही में कल मैंने इनको रिपोर्टिंग किया था। और ये दोनों पौधे भिंडी के हैं, इस पे भिंडी लगी हुई है, ये देख सकते हैं। ये भिंडी, ये देखिए ये धनिया पककर तैयार हो गया है। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है। और दोस्तों ये एक बार फिर मिर्चें, अभी इनका साइज़ थोड़ा छोटा है, धीरे धीरे ये ग्रो कर रही हैं। जब तक मेरी पुरानी मिर्चों का समय समाप्त होगा ये फल देना शुरू कर देंगी, क्योंकि पांच पौधे मेरे पास पूरी तरह ग्रोथ में हैं और फल दे रहे हैं। और ये पांच पौधे मिर्चों के अभी छोटे हैं। और ये पुदीना घर की छत पर, और ये तुलसी का बेबी प्लांट, ये तुलसी का बेबी प्लांट। और इधर मैं दिखाता हूँ आपको, और स्टार्ट होता है यहाँ पर फूलों वाला सेक्शन। तो ये मेरे पास सभी गेंदे के फूल लगे हुए हैं। और आप सबको मैं दोबारा याद दिला दूँ कि दो मरले की इस छत पर ये सारे पौधे मैंने लगा रखे हैं। ये सारे गेंदे के पौधे लगा रखे हैं, कुछ पे गेंदे के फूल आ रखे हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सदाबहार का पौधा है। ये पौधा वैसे तो एक औषधि है, इसको भी हम डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पांच या छह पत्ते इस पौधे के अगर हम सुबह खाली पेट चबाएं तो डायबिटीज़ में काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। और ये मेरे बेबी प्लांट्स
अभी ये काफ़ी छोटे हैं, इसलिए मैंने इन्हें बेबी प्लांट्स कहा है। ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब इसको बड़े गमलों में रिपोर्ट किया जाएगा। और ये दोबारा फिर फूलों वाला सेक्शन, ये देखिए छोटे छोटे गमलों में ये बड़े बड़े फूल, सदाबहार के फूल हैं ये, सफ़ेद और लाल रंग में, ब्लू हार्ट के नाम से जाना जाता है। ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, इसे आप बकेट में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। अरे, और ये सारे पौधे आप देख रहे हैं गमलों में लगे हुए हैं। इसी छोटी सी छत को यूटिलाइज़ किया गया है। ये सारे पौधे आप देख रहे हैं, और ये दो पौधे तुलसी के जो पूरी तरह ग्रोथ कर चुके हैं। तुलसी का हमारे घर में बड़ा महत्व होता है, तुलसी का हर एक घर में बड़ा महत्व होता है। तुलसी के पत्तों की हर सुबह अगर चाय पी जाए तो ये चाय शरीर में बहुत लाभदायक है। तुलसी हाजमेदार होती है, आयुर्वेदिक पौधा है ये, और हिंदू धर्म में वैसे भी ये तुलसी का पौधा पूजनीय है। दोबारा फिर ब्लू हार्ट का ये प्लांट छोटे से गमले में, ये मैंने कटिंग से लगाया था, कटिंग से ये पौधा बड़े आराम से लग जाता है। देखिए कितना खूबसूरत है। आज के लिए मैंने ये जानकारी आपको दी कि आप अपने घर की छत को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और अपने घर पे कैसे अपने शौक को बरकरार रखते हुए अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।